हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेनहीटर्स। दिस इज़ रिद्धि एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग टू के ऊपर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सर्वेइंग टू में मतलब हमको सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, फिर कर्व्स के बारे में बताया जाता है, फिर GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, ये सब होता है। तो ना जैसा कि मतलब ये पोर्शन बहुत वास्ट है, तो फिर एग्जाम के टाइम पे कुछ ना कुछ मिस आउट होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये ना हो इसीलिए हमने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऐसे रेडी करके रखे हैं, जो अगर आपने एक बार कर लिया ना तो आप इजीली ये सब्जेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक लिफ्ट की तरह है। सपोज आपको कोई एक्सरसाइज डेस्टिनेशन पे जाना और आपके पास दो ऑप्शन है, एक लिफ्ट से जाओ और एक स्टेयर से जाओ, तो ऑब्वियसली हम लिफ्ट से जाएंगे बिकॉज वो एक स्मार्ट वे है और एक इजी वे भी है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो ये 20 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी उस लिफ्ट की तरह ही है। आप अगर ये कर लोगे एक बार तो आप इजीली ये सब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो हमने आपके लिए एक 4-day प्लान बनाया है, जिसमें day 1 का प्लान है एक्सप्लेन विद नीट स्केचेस कॉम्पोजिट कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड वर्टिकल कर्व। ये आएगा 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन GIS, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्पोजिट कर्व एंड कंपाउंड कर्व, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट इज GPS, गिव द प्रिंसिपल्स टाइप्स ऑफ GPS एंड एप्लीकेशंस ऑफ GPS इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर day 1 इज वॉट इज कंपाउंड कर्व, What are elements of compound curve? This can come for 6 marks. तो day 2 का प्लान जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमेरिकल फॉर कॉर्ड ग्रेनाइट मेथड्स, ओके, सो दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स। सेवेंथ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सिंपल सर्कुलर कर्व एंड एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। एथ क्वेश्चन इज वॉट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। नाइन्थ क्वेश्चन इज Define exposure station, nadir point, flying height and swing. This can come for 5 marks. And the last question for day 2 is what are the objectives of GIS? This can come for 5 marks. तो गाइज ये थे आपके डे 1 और डे 2 के प्लान, जिसमें हमने 10 questions कवर किए हैं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप ये 10 questions कर लो बहुत अच्छे से, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डे 3 और डे 4 का प्लान भी एक बार देख लो। तो जो डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल थियोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोलाइट, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमेरिकल फॉर साइड डिस्टेंस ऑन अ वर्टिकल कर्व, दिस कैन कम फॉर 5 to 10 मार्क्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is electronic digital theolite? Mention its application on it. This can come for 10 marks. The 15th question is distinguish between land survey and construction survey. This can come for 5 marks. Okay. And the day 4 ka first question is describe various obstacle in laying out of simple curve with neat sketches, which can come for 10 marks. The second question is explain 7 on 12 Uttara. This can come for 5 marks. Next question is principle and use of aerial photogrammetry. This can come for 5 marks. The 19th question is define remote sensing system and necessity of the same. This can come for 5 marks. And the last question is field of application of total station. This can come for 5 marks. So guys, ye the aapke 20 questions. जो अगर आपने कर लिए तो आप इजीली ये सब्जेक्ट पास कर सकते हो। बट आपको अगर ये सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ब्रेनहीटर स्टडी मटेरियल्स देख लो, जिसमें हमने आपके लिए प्रिपेयर किए ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन बैंक्स, ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड ब्रेनहीटर्स ब्लूप्रिंट्स। तो क्वेश्चन बैंक में कैसा है पता है गाइस, हर एक मॉड्यूल में से हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर किया है, जो आपने अगर कर लिया तो आप इजीली सब्जेक्ट में 60-65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन पेपर्स में हमने वो क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ब्रेनहीटर्स ब्लूप्रिंट में हमने आपके लिए एक एस्टिमेटेड पेपर पैटर्न बनाया, जैसे कि question 1 में ये मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन मतलब ये मॉड्यूल में से आ सकता है, तो फिर वो एक पेपर पैटर्न है, वो भी आप देख लो एक बार। तो अगर आपने ये सब कर लिया ना तो आपका पेपर बहुत सही जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो,
कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स मिल जाए, और अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा ब्रेन हीटर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि हम बहुत बार लाइव आते हैं और Q&A सेशंस होते हैं, ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अगर कोई नया वीडियो आए तो आपको इजीली पता चल जाए और आप मिस ना करो। थैंक यू।